जय शनिदेव महाराज की। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर, और आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ शनि शिंगणापुर। जो लोग शिरडी आते हैं और शिंगणापुर जाते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो अभी तो हम लोग होटल से निकल रहे हैं और जा रहे हैं शिंगणापुर शनिदेव महाराज के दर्शन करने को। और कल हम लोगों को बाबा के दर्शन करते करते 4-5 बज गए थे, तो फिर इतनी लेट अगर जाते तो फिर रात में बहुत लेट हो जाता, तो फिर हम नहीं जा पाए थे। आज जा रहे हैं शिंगणापुर शनिदेव के दर्शन करने को, तो चलिए आप सब भी शनिदेव के दर्शन कीजिए और मेरे ब्लॉग में पूरा साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, सो अभी हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और ये हमारा होटल का एम्बियंस पूरा रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। और आ गए हैं अभी साईं बाबा टेम्पल के जस्ट सामने में, जहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी शनिदेव शिंगणापुर जाने के लिए। और वहाँ पे आप पर्सनल व्हीकल भी कर सकते हो, या यहाँ से गाड़ी जाती है तो आप यहाँ से इस टाइप की गाड़ी आपको मिलेगी जो कि आपको शनि शिंगणापुर लेके जाएगा। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। सो गाइज, अभी हम लोग निकल चुके हैं शनि शिंगणापुर के लिए और हमारी गाड़ी चल पड़ी है। और अभी तो हम फ़िलहाल शिरडी में ही हैं और शनि शिंगणापुर जाने में यहाँ से 1.5 आवर लगता है। वो कभी कभी आपको जल्दी भी पहुँचा देगा, कभी कभी थोड़ा अगर स्लो चलता है तो लेट से भी लेके जाएगा। और ये है उडुपी एक्सप्रेस, वहाँ का सबसे फेमस होटल शिरडी का। तो अभी ये आप शिरडी में देखो कि दिन के टाइम में कितनी ज़्यादा धूप हो रही है और कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस चिलचिलाती धूप में हम लोग जा रहे हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं कि भीड़ रहती है कि नहीं। और आप लोग पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहना, और अगर आप लोग शिरडी आते हो तो शिंगणापुर तो ज़रूर जाना एक बार। जो लोग जा चुके हैं उनको तो आइडिया होगा ही कि कैसे जाना है, और जो लोग नहीं गए हैं तो उनको तो पता चल जाएगा इस वीडियो देखने के बाद कि कैसे जाना है शिंगणापुर। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रास्ते में, और यहाँ पे भैया ने गाड़ी रोक दी क्योंकि रास्ते में यहाँ पे जूस, नारियल पानी वगैरह पी सकते हो क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर यहाँ पे झूलने के लिए दिया गया है, बिल्कुल विलेज वाली वाइब्स आती है, एकदम गांव टाइप का। और आप यहाँ का आसपास का माहौल देख सकते हो, एकदम खेत खलिहान है। और हमने सोचा कि चलो मैं भी जाके यहाँ पर थोड़ा सा झूला झूल लेती हूँ, थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे, थोड़ी देर आप जूस पानी वानी पी लो। तो इसके लिए भैया ने गाड़ी रोकी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जूस वगैरह पी लिया है और इंजॉय करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं शिंगणापुर के लिए। तो आप देखो हम बारी बारी करके झूला झूल रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का झूला दिया होता है गाँव में, होता है ना जिस टाइप का झूला, वैसा एकदम मज़ा आता है झूलने में। तो अगर आप इस रास्ते से जाओगे ना, ऑब्वियसली यही रास्ता है शिरडी शिंगणापुर जाने का, तो इस जगह ज़रूर रुकना और यहाँ पे आप झूला भी ज़रूर झूलना। गन्ने का जूस बहुत टेस्टी मिलता है, तो गन्ने का जूस आप पी सकते हो। सो गाइज, आप ये देख सकते हो कि है शनि शिंगणापुर का ग्राम पंचायत, और इसके अगल बगल आपको खेत ही खेत दिखेंगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गांव वाला माहौल है यहाँ पे, एकदम ये गांव ही है शिंगणापुर और ये है ग्राम पंचायत। और देखते देखते हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली शनिदेव के मंदिर शिंगणापुर में। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है जो शनि देव को चढ़ता है। एक बास्केट में आपको सब कुछ दे देंगे, तेल, फूल और जो जो चीज़ें शनि देव को चढ़ता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी। ये जो मार्केट आप लोग देख रहे होंगे, ये शनि देव का जो मंदिर है उसके अंदर आपको ये मार्केट दिखेगा, जहाँ से आप लोग पूजा का सारा सामान ले सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे हाथ पैर धोने का मैंने दिखाया, तो वहाँ पे आप गाड़ी से उतरोगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी बड़ा सा मार्केट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सब कुछ पूजा से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये है मंदिर के अंदर का परिसर, जहाँ पे आप आओगे तो यहाँ भी आपको पूजा से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी शनिदेव को चढ़ाने के लिए। हम लोग अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे और पैर वगैरह धो लिया है पानी से, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी देर पहले जो था। और अभी है शनिदेव मंदिर का गेट नंबर 1, और हम लोग वहाँ से जा रहे हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए, और अभी वहाँ से चलना पड़ता है।
तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे काफ़ी साल पहले 2014 में, तो यहाँ पे इस टाइप का मंदिर नहीं बना हुआ था। ये आई थिंक न्यू में बना है, उस टाइम पे इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे नहीं बना था। और अभी मैं आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मुझे चेंज दिख रहा है। और वहाँ पे जब आप मंदिर के लिए जाओगे तो थोड़ी दूर चलना पड़ता है, और काफ़ी सुंदर सा ये मंदिर बनाया है। ये देखो मंदिर का, आपको मैं आसपास का पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। और ये आई थिंक कुछ टाइम पहले ही बना है और काफ़ी सुंदर बना है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है शनिदेव जी महाराज के मंदिर का। और अभी हम लोग आ गए हैं शनिदेव महाराज के मंदिर के अंदर। या आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या चढ़ाना होता है, जो अभी हमने प्रसाद वगैरह लिया था, जो फूल पत्ती माला काफ़ी सारी चीज़ें जो शनिदेव को चढ़ती है वो हमने ले लिया। तो सरसों का तेल, वो भी शनिदेव को तो सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वो तो आप लोग लेना ना भूलें, क्योंकि वो भी यहाँ पे चढ़ता है। और काफ़ी सारी चीज़ें, ये देखो ये पत्ते वगैरह, जो माला है पत्ते का बना हुआ है, ये शनिदेव महाराज को जो जो चढ़ता है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो मार्केट मैंने आपको बाहर दिखाया है। और ये वही जगह है जहाँ पे ऑयल चढ़ता है। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऊपर जाके शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाओगे डायरेक्टली, तो वहाँ पे आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, 500 रुपीज़ है यहाँ पे। और 500 रुपीज़ दे के आप ऊपर जाके डायरेक्टली शनिदेव को यहाँ पे तेल चढ़ा सकते हो। ये देखो शनिदेव का मंदिर, यही है शनिदेव शिंगनापुर। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि शनि शिंगनापुर में चोरी नहीं होती, और यहाँ पे सारे शॉप ऐसे ही होते हैं, तो हाँ ये सच है, और यहाँ पे बिल्कुल चोरी नहीं कर सकता कोई। और ये शनिदेव के मंदिर के अंदर भी एक मंदिर है जहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे भगवान आपको दिखेंगे, ये देखिए। तो मैंने शूट कर लिया कि आपको दिखा देती हूँ कि, और शनिदेव के महाराज के अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं, और इस मंदिर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम लोग शिरडी से ही आते हैं यहाँ पे। जो लोग शिरडी आते हैं तो वो लोग यहाँ पे शिंगनापुर आते ही हैं, बट जो लोग आ चुके हैं शिंगनापुर तो वो लोग शिरडी में भी बाबा के दर्शन करके चले जाते हैं। तो मैं भी आई थी काफ़ी साल पहले 2014 में ही यहाँ पे, और मैंने कहा कि चलो इस बार जाके देखते हैं वहाँ पे कि कैसा होता है। पहले तो यहाँ पे डायरेक्टली शनिदेव को छू नहीं सकते थे, बट अब सिस्टम कर दिया है कि आप ऊपर जाके यहाँ पे शनिदेव को डायरेक्टली तेल चढ़ा सकते हो, और वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, 500 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शनि चालीसा भी है, तो अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो शनिदेव का चालीसा भी पढ़ के शनिदेव को सुमिरन कर सकते हो। और चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ मंदिर के अंदर का नज़ारा, कि कितना बड़ा मंदिर है और यहाँ पे प्रसाद में क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या प्रसाद मिलता है। तो गाइज एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो लोग शिरडी से यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए, अगर आप शिरडी शिंगनापुर आना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने अपनी पर्सनल गाड़ी रिजर्व कर रखी है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा जो 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है और आपको शनि शिंगनापुर पहुँचा देता है। आने जाने का 400 रुपीज़ लेता है। और शिरडी से अगर आप अपना गाड़ी बुक कर रहे हो तो 2000 लेगा एसी का और 1800 लेगा नॉन एसी का। घूम लेते हैं, फिर खा पी लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे फिर होटल। यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे काउंटर पे। यहाँ पे बर्फ़ी प्रसाद बिक्री आपको दिख रहा होगा, बर्फ़ी प्रसाद सेल, जहाँ पे शनिदेव जी का यहाँ पे प्रसाद आपको मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 पैकेट, ये आप देख सकते हो, और ये नारियल की मिठाई होती है बर्फ़ी टाइप में, तो अभी हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद। और ये मंदिर के अंदर का ही परिसर है, जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बना है। शनिदेव के मंदिर में प्रसाद लिया है, 20 रुपये का एक पैकेट मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने अभी 5 पैकेट प्रसाद लिया है, तो प्रसाद लेके अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। और गाइस अगर आप लोगों ने मेरा शिरडी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो लोग शिरडी आना चाहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो शिरडी के बाद शिंगनापुर आना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देखना मत भूलिए, और शिंगनापुर वाला भी पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और चलिए तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। ये है शनि के मंदिर के अंदर ही लेक, बहुत सुंदर सा बना हुआ है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे भी आके फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और सामने काफ़ी बड़ा सा था, मैं दिखा देती हूँ।
तो गाइज ये था शनि शिंगणापुर का मेरा ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों से जो लोग शिरडी और शिंगणापुर जाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक तो मेरा शिरडी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। जय शनिदेव महाराज।